हरियाणा में बीते दिन गांव की सरकार के बाद आखिरकार जिले की सरकार का भी चुनाव हो गया। 9 तारीख को हुए मतदान के बाद मतगणना हुई। जिला परिषद के लिए 14 पार्षदों का चुनाव हुआ और ब्लॉक समिति के 109 मेंबर चुनकर अब जिले के विकास में सहयोग करेंगे। संडे सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी। सभी नतीजे शाम तक सामने आ गए। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने ये चुनाव सिंपल पर नहीं लड़ा था, लेकिन जो नाम जीत के बाद सामने आए हैं उसमें से जिला परिषद के ज्यादातर पार्षद भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। अंबाला जिला परिषद चुनाव परिणाम में बड़ा झटका लगा। अंबाला वार्ड नंबर 4 से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी चुनाव हार गईं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री की पत्नी सुमन सैनी को मिलाकर कुल 9 महिला उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 में चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें सुमन सैनी ने गणना में 4th स्थान दर्ज किया। वार्ड नंबर 4 में जीत दर्ज करने वाली महिला प्रत्याशी राजेश देवी को कुल 3,813 मत मिले, जबकि सुमन सैनी को 2,628 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। हरियाणा के सभी 22 जिलों में 143 पंचायत समितियों एवं 22 जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतगणना हुई थी। इस दौरान जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति के 3,081 सीटों पर हार जीत का फैसला हुआ। अंबाला में वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह की पत्नी चुनाव हार गयी। उनकी पत्नी सुमन सैनी को राजेश देवी ने 236 वोटों से हराया। सांसद की पत्नी सुमन सैनी 4th नंबर पर रहीं। वहीं करनाल के घरोंडा में वार्ड नंबर 3 के 2 ब्लॉक समिति के उम्मीदवार थे, जिसमें एक उम्मीदवार की हार हो गई। जब दोनों उम्मीदवार काउंटिंग केंद्र से बाहर आए तो हार जीत को लेकर बहस हो गई और मामला लात घूंसे तक पहुँच गया। इस दौरान जब पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस को भी हाथापाई के लपेटे में ले लिया। खबर है कि मतगणना केंद्र से जब हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार बाहर आए तो दोनों पक्षों के गुटों में झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ साथ भी धक्का मुक्की हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले को शांत किया। वहीं रेवाड़ी शहर के सबसे हॉट वार्ड नंबर 11 में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित मनी राम ने बाजी मारी। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 2 खास समर्थक मनोज पहलवान और राजवीर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों को हार का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी में शराब तस्करी के मामले में पुलिस की कस्टडी से फरार होने वाले आरोपी और वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी जीवन हितैषी उर्फ लाला ने भी जीत दर्ज की। आपको बता दें, लाला ने नामांकन करने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। लाला पर 2017 में बिहार में शराब तस्करी का मामला दर्ज हुआ था। पिछले महीने 15 अक्टूबर को उसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बिहार पुलिस उसे रेवाड़ी के कौसली थाना लेकर पहुंची थी, जहां से वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसने जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया था और फिर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए हुए मतदान की 10 सीटों में कालका विधानसभा क्षेत्र में 8 और पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में 2 सीटें पड़ती हैं। फतेहाबाद में परिणाम चौंकाने वाले रहे। निवर्तमान जिला परिषद चेयरमैन राजेश कसवा चुनाव हार गए। उनकी पत्नी सुनीता कसवा भी चुनाव हार गयी। रेवाड़ी में जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 में जहां पूर्व मंत्री विक्रम सिंह की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं पूर्व जिला प्रमुख शशि बाला और पूर्व जिला उप प्रमुख जगफूल यादव को भी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कई समर्थकों की भी हार हुई। जहां कुख्यात गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा चुनाव लड़ रही थी और उसने जेजेपी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष मीना मकड़ोली और भाजपा नेता धर्मपाल मकड़ोली की पत्नी को शिकस्त दे दी, जिसके बाद मंजू हुड्डा जश्न मनाते हुए अपने गांव की तरफ रवाना हुई। मंजू हुड्डा का कहना है कि लोगों ने जो उन्हें समर्थन दिया है वे उनका धन्यवाद करती हैं और अब वे जिला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। वहीं वार्ड नंबर 10 से जीत हासिल करने वाले जयदेव दादू ने कहा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं उनके वार्ड में हैं जिनके निदान के लिए उन्हें चुनाव लड़ा था और अब वह उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और लोगों के बीच कड़ी बनेंगे। मतगणना पूरी होने के बाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि अब वह अपने वार्ड के विकास के लिए काम करें।
यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिले की सभी अधिकारी व कर्मचारी को भी धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो हुआ था, मतगणना भी उसी तरीके से करवाई गई है।